हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। सो तो अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल कंट्रोल सेंटर हाइपर ओएस का इंस्टॉल करते हैं, सो यहाँ पे एंड्रॉयड 13 के यूज़र्स, एंड्रॉयड 12 के यूज़र्स को एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। उनको यहाँ पे सेटिंग कट ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स को अब हैबिट हो चुकी है कि वो सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो सीधा कंट्रोल सेंटर से ही ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइपर ओएस में इस वाले ऑप्शन को एंड्रॉयड 13 से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ आपको ऑफिशियली सेटिंग का भी ऑप्शन कंट्रोल सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगा। सो अब मैं आपको शो कर देता हूँ कि आप इसको एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 12 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी रूट। सो इसके लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है क्विक सेटिंग्स। सो इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगी। इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको सिंपली यहाँ से शॉर्टकट्स में जाना है। शॉर्टकट्स में जाने के बाद आपको ऐप्स एंड शॉर्टकट्स हैशटैग 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आपको सिंपली यहाँ से हैशटैग 1 पे जाना है और आपको फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ से टर्न ऑन कर लेना है। और इसको टर्न ऑन करने के बाद वापस अपनी होम स्क्रीन में जाइए, कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एडिट के ऑप्शन पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एप्लीकेशन एंड शॉर्टकट्स की एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी ऐप्स के अंदर। सो सिंपली आपको इसको यहाँ से एडिट एंड शॉर्ट करके अपने कंट्रोल सेंटर में सबसे ऊपर आपको यहाँ से इसको लेके आ जाना है। और इसको कंट्रोल सेंटर में अनेबल करने के बाद सिंपली आपको इस पे एक बार यहाँ से टैप करना है। और इसके ऊपर आपको यहाँ से टैप करने के बाद आपका ये यहाँ से लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और लोडिंग होने के स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करना है। सो सिंपली आपको सेटिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप जब इस पे टैप करेंगे सो आपका सेटिंग्स एप्लीकेशन भी इजीली ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे इस वाले शॉर्टकट की हेल्प से आप सेटिंग्स एप्लीकेशन को कंट्रोल सेंटर से एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 में भी इजीली ओपन कर सकते हैं। एंड्रॉयड 14 के साथ आपको ऑफिशियली यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाएगा। सो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली जो ट्रिक है वो आपको कैसी लगी। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।